हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं पम्मी। आज हम व्रत में खाए जाने वाली साबूदाने की मसाला पूड़ी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक कप साबूदाना लिया है। गैस को सिम पे रखेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें ये साबूदाना डाल के इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, साबूदाने का सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और इसका पाउडर बनाने में हमें आसानी होगी। गैस को बिल्कुल सिम पे रखना है और कड़छी लगातार चलानी है। इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसका हल्का मॉइस्चर निकालना है। साबूदाने को हमने 2 मिनट ड्राई रोस्ट किया है। अब गैस करेंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे फैला देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। फिर इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। अब साबूदाने को ग्राइंडर जार में डाल के फाइन पाउडर बना लेंगे। आधा आधा करके डालेंगे। साबूदाने का पाउडर हमने बना लिया है। अब इसे छान लेंगे ताकि जो मोटा थोड़ा बहुत साबूदाना रह गया वो छन जाए, क्योंकि हमें इसमें फाइन पाउडर चाहिए पूरी बनाने के लिए। ये देखिए, ये मोटा मोटा है। और इसी तरह बाकी का भी ग्राइंड करके उसे छान लेंगे। ये देखिए, साबूदाने का ऐसे बारीक पाउडर बनाना है। जो बीच में थोड़ा बहुत मोटा मोटा था वो हमने निकाल दिया है, क्योंकि मोटा थोड़ा रखने से पूड़ी फट सकती है। ये हमने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए, इन्हें भी कद्दूकस कर लिया। ये कुछ मसाले हैं। हरा धनिया 2 टेबलस्पून, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, जीरा 1/2 टीस्पून। ये व्रत की पूरी है, इसमें इसलिए ज़्यादा मसाले नहीं डालने। सेंधा नमक स्वाद अनुसार या 3/4 टीस्पून, तकरीबन 1/2 टीस्पून ऑयल। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, आलू से ही आटे को गूंथेंगे। आलू के साथ हमने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टाइट डो बनाएंगे, जैसे पूड़ी का बनाते हैं। साबूदाने का हमने टाइट डो तैयार कर लिया है। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे ढक के 10 से 15 मिनट रखेंगे। जब तक आटे को रेस्ट के लिए रखा है, तब तक हम पूरी के साथ खाने के लिए रायता तैयार कर लेते हैं। ये हमने 1 कप फेंटा हुआ दही लिया है। इसमें हम ये बारीक कटा हुआ फ्रेश पुदीना डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून है ये। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा है ये 1/2 टीस्पून, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार या 1/4 टीस्पून, ये सेंधा नमक है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1/4 से थोड़ी कम पिसी हुई काली मिर्च, ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर पुदीने का हमारा रायता तैयार है। अब इसे एक साइड में रख लेंगे। डो को रखे 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे थोड़ा और नीड कर लेते हैं अच्छे से। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। डो को अच्छे से नीड कर लिया, तो चलिए पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। एक चकला लेंगे, चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे नीचे, ताकि नीचे चिटके नहीं आटा। हाथों को भी थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। और एक डो लेंगे छोटा, डो आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा ले सकते हैं। इसके ऊपर रखेंगे, ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और पूरी को बेलेंगे। ये देखिए, इसे धीरे धीरे ऐसे बेलना है। किनारे इसके टूटे टूटे आ रहे हैं, तो ग्लास से इसको गोल काट लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे और ऐसे ही सारी पूड़ियाँ बना के रख लेंगे। ये थोड़ी मोटी लग रही है, इसको थोड़ा सा और बेल लेते हैं।
और ऐसे ही सारी पूरियाँ बना के प्लेट में रखते जाएंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, गैस को हमने मीडियम हाई पे रखा है। हमने ये 5-6 पूड़ियाँ ही बेल के रखी हैं, पहले इतनी ही बनाएंगे, बाकी बाद में बनाएंगे। एक पूड़ी डालेंगे और इसे पकने देंगे, जिसे थोड़ा सा ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसे पलटी करेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। पूरी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी तरह बाकी की सारी पूड़ियाँ भी फ्राई कर लेंगे। सारी पूड़ियाँ हमने तल ली हैं, गैस को बंद कर दिया, अब इन्हें सर्व करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, साबूदाने की मसाला पूरी। इसे हमने टमाटर और पुदीने के रायते के साथ और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही टेस्टी पूरी बनी है, आप इस व्रत में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।